तो ये है हमारी रिच सिस्टर्स माइक्रो और मिनी। और ये है हमारी देसी सिस्टर्स गीता और बबीता। अपनी ब्यूटी का जलवा फैलाने का भी दीदी नूर लगे ऐसे पार लगा रास्ता भूल गई दिखे व्हाटएवर। इन मिडिल क्लास लोगों को पता नहीं कहां से इतने महंगे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। ओ मैडम, ऐसा मिडिल क्लास जरूर है पर मेरे दद्दा के पास इतना पैसा ना पैसा इतनी जमीन है ना जितनी तुम्हारी स्कर्ट की स्क्वायर फीट है, जितनी तुम्हारी स्कर्ट की लेंथ है उतनी जमीन। बता जी, आज इसका बसरा तो फोड़ दूं मैं। हैं? तो अपना बखानी अंग्रेजी समझ ही दिखे है आई बड़ी। यू सिकल से घुमा के गिनने के घूमती रहवे ना जो तू। आज तो मैं तेरा सिकल बिगाड़ूंगी। तेरी सिकल से तो नू लगे तुझे गोबर भी ना खाना आता दिखे। जी, बढ़ा दूं आज का मोर। अरे रैड दे बिता, आगे भी तो देखना है इन्हें। तो आगे वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को 200,000 लाइक कर दो फटाफट से। और कमेंट करके बताओ हम रिच सिस्टर्स की जोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है ना। अरे हम देसी की जोड़ी ज्यादा अच्छी है, तो कमेंट कर दो भर भर के देसी देसी। आजा बबीता। चीपोस। ओह नो, मेरे लेस खुल गए, क्या करूं? तो बांध लेना, इतना ड्रामा क्या है। वो बेंड नहीं हो सकती ना, शॉर्ट्स दिख जाएंगे। तो तू स्लिप ऑन्स क्यों नहीं ट्राई करती? और वैसे भी अब सर्दियां आ रही हैं, तो तेरे को काफी इजी भी हो जाएगा। देख मैंने एक DIY भी किया था। ये लेस बहुत ही जल्दी खुल जाते हैं, तो आप इसकी जगह ये वाले इलास्टिक और स्टॉपर यूज कीजिए। बस आपको करना ये कि शू लेस को रिमूव करो और इसकी जगह उस इलास्टिक को इंसर्ट कर दो। इलास्टिक को शू लेस के बराबर कट कर लो। और इलास्टिक के एंड्स को थोड़ा थोड़ा जला दो, इससे इसके रफ एजेस खुलेंगे नहीं। और विंटर्स के लिए यह हैक तो बहुत ही फिट है, क्योंकि सर्दियों में आपको लेसेस नहीं बांधने पड़ेंगे। अब कुछ इस तरह से स्टॉपर डाल दो और जो एक्स्ट्रा इलास्टिक बच रही है ना उसे कट कर लो। फिर एंड्स को सिक्योर करने के लिए आप एक्स्ट्रा इलास्टिक को कट करके या तो स्टॉपर लगा लो या गांठ भी बांध सकते हो। इवन इफ यू ट्राई यू वुडंट अंडरस्टैंड इट, मेबी समथिंग्स मिसिंग इनसाइड। सही है, घर जाके यही करूंगी। जल्दी चल, सीता मैम की क्लास है। हाँ। ये बनाना बहुत ही सिंपल है। बस आपको अपनी पसंद का कोई भी कलरफुल चार्ट पेपर लेना है और नोटबुक पे चढ़ा देना है। फिर कोई भी डॉल का शेप प्रिंटर से प्रिंट करके निकाल के कट कर लो और इस तरह से कवर पे पेस्ट कर लो। अब घर में बचा पुराना कपड़ा तो होता ही है, उसे ही हमें यूज करना है गुड़िया की 3D ड्रेस बनाने के लिए। इस तरह से प्लीट्स करते हुए उसकी स्कर्ट बनाओ और एक बो से डेकोरेट कर लो। और देखो कितनी जल्दी बन गया हमारा डेकोरेटिव नोटबुक कवर। अब इसे आप चाहो तो जैसे मर्जी वैसे डेकोरेट कर सकते हो। हमने यहाँ पे इसकी चूड़ियाँ बना दी और थोड़ा बन को डेकोरेट कर लिया है। अब मैं आपको ये गणेश जी का कवर बनाना सिखाती हूँ, जिससे हमारी मैम तुरंत इम्प्रेस हो गई थी। बस आपको कुछ डिफरेंट साइजेस के पत्ते लेने हैं और इस तरह से रखते हुए इन्हें स्टिक कर लेना है। फिर पेंट ब्रश की हेल्प से फेस ड्रॉ कर लेना है।
हाथों में रेडी है हमारा नोटबुक कवर। कितना डेकोरेटिव और इनोवेटिव लग रहा है ना। से हमें बहुत मारेगी बाहर। एक काम करती हूँ, इसे हैक बता देती हूँ। सुन, मैं तुझे हैक दूंगी, तू मुझे माफी दे दे। ठीक है चल बता क्या है क्या है। ये देख, अब जैसा कि आप देख सकते हो कि कुर्ती की लेंथ थोड़ी छोटी है और पैंट्स भी छोटे हो रहे हैं। इनकी लेंथ को बढ़ाने के लिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक और लेस ले लिया है। फैब्रिक में हमने यूज किया ऑर्गेन्जा का कपड़ा और इसे कॉन्ट्रास्टिंग कलर में डाई करवा लिया है। अब आप लोगों को पता है कि ऑर्गेन्जा कितना ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ऑर्गेन्जा ही लगाएंगे। और लेस तो हमें सिमिलर कलर का मिल गया तो ले लिया हमने। पैंट्स के लिए तो आपको पता है कि उनके एंड्स में एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक या लेस लगाना कितना ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो हमने यहाँ पे दो सिमिलर टाइप के लेस लिए, एक छोटी पट्टी का और एक बड़ी पट्टी का, और बीच में लगाया ऑर्गेन्जा का कपड़ा। सही बताऊँ तो मुझे ये कॉम्बो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो कि हमारी कुर्ती का लेंथ भी बढ़ गया और पैंट्स भी कितने प्यारे लग रहे हैं, है कि नहीं। और ये वाला हैक ना आप अपने नॉर्मल किसी भी कुर्ती या पिजामे के साथ भी कर सकते हो। कमेंट करना कि हमारी रिचनेस ज्यादा पसंद आई या इनकी देसी पंती, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। छुट्टी हो गई ना।